पत्थर है और ये पत्थर में गौतम बुद्ध का स्टेचू बना हुआ है, ये आपने बना हुआ है और उसका गौतम स्टैंड है। बहुत सुंदर है बंगले वगैरह भी, तो इधर से व्यू भी देखिए, बंगले से भी बहुत क्लियर व्यू दिखाई देता है। ये कस्तूरी रेंज से जो अभी आपने सारा भीड़ है, देखो आदमी का इतना सारा भीड़ है, अभी देखो कितना सारा भीड़ है। दिवाली का आज लास्ट मार्केट होगा तो इसके लिए बहुत भीड़ है। हेलो एवरीवन, वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, फिर से आप लोग सभी का स्वागत है मेरा चैनल पे। तो गाइस, मैं मणिपुर से कल सिक्किम पहुंच गया था, तो कल मैं सिक्किम आके रिंचेंपुंग पे रहा था, तो आज मैं रिंचेंपुंग से यकसुंग के लिए निकल रहा हूँ। तो अभी 8:30 हो चुका है, तो मुझे अभी गाड़ी इधर का रिंचेंपुंग से जोरथांग के लिए सर्विस पकड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि रिंचेंपुंग से यकसुंग डायरेक्ट सर्विस नहीं मिलता है। तो उसके बाद मुझे जोरथांग पहुँच के फिर यकसुंग के लिए दूसरा सर्विस पकड़ना पड़ता है। और ओके गाइस, मैं आप लोग को पीछे का एक नज़ारा दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो गाइस, आप लोग ये पीछे का व्यू देख सकते हैं, इतना ये जो है कंचनजंगा दिखाई दे रहा है, इधर से इतना बढ़िया सा रिंचेंपुंग से इतना बढ़िया सा व्यू दिखाई देता है, इतना बढ़िया सा सुबह का नज़ारा दिखाई देता है कि कंचनजंगा का रेंज जो है क्लियरली दिखाई देता है और कंचनजंगा भी टोटली क्लियरली दिखाई देता है, ये देखिए पीछे में। तो गाइस, ये व्यू देखिए इतना बढ़िया सा और इतना सुंदर सा है, इधर से सब रेंज दिखाई देता है। ये जो देख रहा है आप लोगों को, ये कंचनजंगा है, उनके लिए निकल रहा था। तो ये अभी जो व्यू दिखाई दे रहा है ये रिंचेंपुंग से, तो जब मैं रिंचेंपुंग से घर यकसुंग के लिए निकल रहा था तो रास्ता में मुझे इतना बढ़िया सा व्यू दिखाई दिया, इतना बढ़िया सा नज़ारा था ये। तो ये विलेज रोड है, तो इससे थोड़ा नीचे में जाने के बाद में गाड़ी का रास्ता मिलता है, और इधर में ये रिंचेंपुंग मोनेस्ट्री। तो ये देखिए, तो ये मोनेस्ट्री से इतना बढ़िया सा व्यू दिखाई देता है। तो देखिए, तो ये इधर का विलेज रोड है, आज वो इधर भी बहुत क्लियर है। तो अभी 8:30 बज चुका है, 8:30 हो चुका है, तो मुझे अभी जाके जोरथांग के लिए गाड़ी पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर मुझे जोरथांग से फिर दूसरा गाड़ी पकड़ के ये आप लोगों को ये देख रहा होगा ये घर के अंदर में एक ऐसा सीन है, आप लोग ने कभी सोचा भी नहीं होगा, तो मैं वो दिखाने के लिए जा रहा हूँ। पत्थर है और ये पत्थर में गौतम बुद्ध का स्टेचू बना हुआ है, ये आपने बना हुआ है, और उसका गौतम बुद्ध का जो सर है ये रहा, इसका सर और ये बॉडी रहा, और इधर में इस तरफ में पेड़ है, तो आदमी लोग इधर में आके वर्शिप करते हैं। तो आदमी लोग इधर का लोकल आदमी का बिलीफ है कि ये गौतम बुद्ध जब विजिट करने के लिए आया था, तो उस टाइम पे ये गौतम बुद्ध जो है थक के इधर में रेस्ट किया हुआ स्टेचू है बोल रहा है। तो देखिए इस तरफ बना हुआ है, छोटा सा बाजार है और लेकिन बहुत सुंदर है। अभी दिवाली के लिए सब जितना भी घर वगैरह है रेडी हो रहा है और डेकोरेशन कर रहा है अभी, तो ये मंगले बाजार का स्टैंड है, बहुत सुंदर है बंगले वगैरह भी। तो इधर से व्यू भी देखिए, मंगले से भी बहुत क्लियर व्यू दिखाई देता है। ये कस्तूरी रेंज से जो अभी आपने कहा था,
शेल्टर है मंदिर का, जो आज देखा जा रहा है बड़ा सा घर। अभी ये रहा जोरथांग का ब्रिज, अभी हम लोग जो है यहाँ जोरथांग पहुँच चुका है और पहुँचने वाला है, लगभग पहुँच चुका है। और ये देखो जोरथांग का ब्रिज, इस तो ये रहा जोरथांग मार्केट। अभी जोरथांग का मार्केट जो है अभी पहुंच चुका है हम लोग। तो अभी दिवाली चल रहा है, इसके लिए देखो दिवाली का मार्केट लगा हुआ है इधर पे, इतना सारा फूल वगैरह बेच रहा है और कुछ दिवाली का सॉन्ग भी लगा रहा है। तो देखो ये फूल वगैरह इतना फूल बेच रहा है। इतना सारा भीड़ है, देखो आदमी का इतना सारा भीड़ है, अभी देखो कितना सारा भीड़ है। दिवाली का आज लास्ट मार्केट होगा, तो इसके लिए बहुत भीड़ है। अब ये जो है स्टेशन जाने का रास्ता है, तो अभी हम लोग स्टेशन का अंदर में जा चुका है। ये तो अभी ये पार्किंग के लिए इस प्रकार का रास्ता है इधर में। त्यो त नेपालीहरूले पनि खान्छ।